नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। तो कई बार ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी वीडियो के साथ कोई गाना डालने के लिए इंटरनेट से उसे डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन जब वीडियो के साथ उसे लगा के अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और क्या इंटरनेट से किसी वेबसाइट से किसी गाने को डाउनलोड करना गैरकानूनी है और ये कॉपीराइट क्या होता है, आज इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति कोई गाना बनाता है, उसे गाता है, तो उस गाने पर उस व्यक्ति का सर्वाधिकार होता है, यानी पूरा अधिकार। इसका मतलब उससे जुड़े सारे राइट्स उस व्यक्ति के पास होंगे, इसे ही कॉपीराइट कहते हैं। और जब गानों के कॉपीराइट की बात करते हैं तो उसमें जो संगीत या जो चित्रकला उसके साथ दिखाई जाती है उन पे भी कॉपीराइट होता है। अब आते हैं हमारे जरूरी सवाल पर कि गानों को इंटरनेट से ऐसे ही जाके डाउनलोड करना या इस्तेमाल करना गैर कानूनी है या कानूनी। देखिए, इस सवाल का जो जवाब है वो हाँ भी है और ना भी। तो गाने इंटरनेट से डाउनलोड करना अवैध नहीं है, इलीगल नहीं है, लेकिन कॉपीराइट वाले गाने बिना ऑथराइजेशन यानी बिना प्राधिकरण के डाउनलोड करना गैरकानूनी है। देखिए, समझने की कोशिश करिए कि कुछ गाने जिन पे कॉपीराइट है उन्हें सही और पर्याप्त इजाजत के बिना डाउनलोड करना या इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। ऐसा इसलिए ही कि जब भी कोई व्यक्ति कोई कॉपीराइट किया हुआ गाना डिस्ट्रीब्यूट करता है यानी बांट देता है, लोगों के लिए उपलब्ध करा देता है, तो कॉपीराइट का जो मालिक है उसे उस संगीत से प्रॉफिट या फायदा नहीं हो पाता और ये गलत बात है। तो सही और मान्य लाइसेंस और बिना अनुमति के बिना गाने को अवैध रूप से डाउनलोड करना, रिप्रोड्यूस करना यानी पुनः प्रस्तुत करना और कॉपी कर लेना गाने की चोरी माना जाता है, यानी पायरेटेड माना जाता है। इसको ही अंग्रेजी में पायरेटेड म्यूजिक कहते हैं हम। गाने की जो पायरेटेड वेबसाइट है जहाँ पे पायरेटेड गाने मिलते हैं, जैसे कि टॉरेंट या mp3feelings.com या ऐसी कई और वेबसाइट, वहां से डाउनलोड करना गाने को भी गलत है। अब मान्य तरीके से यानी कानूनी तरीके से आप गाने कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो जानते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि संगीतकार खुद ही गाने को जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध कर देता है और ऐसे संगीत को कॉपीराइट होने के बावजूद भी डाउनलोड करना गैरकानूनी नहीं है। और अगर आप ऐसे कॉपीराइट वाले गाने को डाउनलोड करने के लिए कुछ भुगतान करते हैं, कुछ पेमेंट करते हैं, तो भी उसे डाउनलोड करना अवैध नहीं माना जाएगा। भारत में विभिन्न स्ट्रीमिंग सेवाएं उपलब्ध हैं और ये सेवाएं कलाकारों और इंडिपेंडेंट यानी स्वयं संगीत कंपनियों से संगीत या ट्रैक का लाइसेंस ले लेती हैं। और यही आते हैं हमारे ऐप जैसे कि गाना, स्पॉटिफाई, अमेजोन म्यूजिक, सावन आदि। ये जो गाने के स्टोर हैं, यहाँ पे केवल गाने सुनने वालों को गाने स्ट्रीम करने की सेवा ही नहीं बल्कि साथ साथ कभी कभी उन्हें डाउनलोड करने की सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है। अब कानून की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने ये तो जान लिया कि म्यूजिक या गाने का कॉपीराइट क्या होता है, लेकिन अब इसके उल्लंघन के बारे में क्या कानूनी प्रावधान है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो द कॉपीराइट एक्ट की धारा 51 में कॉपीराइट के उल्लंघन का वर्णन किया हुआ है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति कॉपीराइट के मालिक या रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना कोई ऐसा कार्य करता है जो सिर्फ कॉपीराइट का मालिक कर सकता है, तो इसे कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा। अगर कोई किसी जगह का इस्तेमाल करवाता है, उसे कॉपीराइट हुए गाने को बेचने के लिए, बांटने के लिए, वितरण करने के लिए, जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए, तो इसे भी कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा। अगर कोई कॉपीराइट हुए गाने का गलत तरह से आयात करता है यानी गलत तरह से इंपोर्ट करता है, तो उसे भी कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा। उस कॉपीराइट हुए गाने को बिना अनुमति के रिप्रोड्यूस करना या पुनः प्रस्तुत करना भी कॉपीराइट का उल्लंघन ही माना जाता है। अब इतनी बात पर हमने गानों के मालिकाना अधिकार के बारे में जान लिया, कॉपीराइट के बारे में जान लिया, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि कॉपीराइट का असली मालिक गानों के मामले में होता कौन है। अब गाने का जो कॉपीराइट है वो किसके पास है, इसमें कई पहलू शामिल हैं, क्योंकि एक गाने को बनाने में कई लोग शामिल होते हैं, जैसे कि गाने लिखने वाले, धुन बनाने वाले, जिसने गाने का निर्माण किया है, प्रोड्यूस किया है आदि। अब इतनी बात अगर गानों के मालिकाना अधिकार की और कॉपीराइट की कर ही ली है, तो ये भी जान लेते हैं कि कॉपीराइट का मालिक वैसे होता कौन है। अब गाने का जो कॉपीराइट होता है ये किसके पास होता है, इसमें कई पहलू शामिल है, क्योंकि एक गाने को बनाने में कई लोग शामिल होते हैं, जैसे कि गाना किसने लिखा है, किसने बनाया है, किसने प्रोड्यूस किया है, किसने धुन बनाई है आदि। और जनरल रूल यानी सामान्य नियम ये कहता है कि मूल कार्य का ऑथर या लेखक कॉपीराइट का पहला मालिक होता है, यानी जो ऑथर है ओरिजिनल वर्क का, वो ही फर्स्ट ओनर होता है म्यूजिक के कॉपीराइट का।
कॉपीराइट एक्ट की धारा 2D क्लॉज 2 के अंतर्गत ये जो ऑथर है उस गाने के वही होते हैं जो उस गाने के कंपोजर होते हैं, यानी संगीतकार जो पहले मालिक हैं वही हैं उस गाने के ऑथर। कंपोजर वो व्यक्ति है जिसने उस गाने की रचना करी है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उस गाने को ग्राफिक रूप दिया है या नहीं, ग्राफिक तरीके से रिकॉर्ड किया है या नहीं। आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे, और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।